सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब कर ले फोन का लोन को, ताकि यहां पर भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं। कैशबीन कंपनी में आपने लोन लिया था और लोन समय पे रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो कुछ कारणवश, लेकिन आपके पास कैशबीन कंपनी का कॉल आके बार बार आपको गाली से, बदतमीजी से, स्लैंग यूज करा जा रहा है, तो दोस्तों आपके पास क्या राइट्स है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने एग्जीक्यूटिव के साथ बात किया कैशबीन की, और मैंने बताया कि आपकी कंपनी की लोग ऐसे जब भी रिपेमेंट की बारी आता है अच्छे अच्छे लोगों को गाली देके उनका मेंटली इतना ज़्यादा हैरेसमेंट करता है, तो क्या ये ठीक करते हो आप लोग? क्योंकि हम 2020 में आज इंडिपेंडेंस भारत है हमारा, और यहाँ पर ऐसा सख्त कानून बना हुआ है कि यहाँ पर आज की डेट में आके ऐसे बदतमीजी से बात करो एक पर्सन से, उस पर्सन का कितना ज़्यादा राइट्स है मैं आपको बता देता हूँ। कितना सारा एक्ट्स बना हुआ है हमारे कानून में आपको नहीं पता है, ठीक है ना? तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, बदतमीजी से बात तो नहीं कर सकते हो। किसी ने लोन लिया तो उनका घर वाले ने क्या कसूर किया? जो आप माँ बहन भाई उठा के, बहन उठा के गाली दे रहे हो, बाप उठा के गाली दे रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि माफ़ी मांगूंगा मैं कि ऐसा होता है, अगर होता है तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला कि देखिए इसका क्या कर सकते बताइए, क्योंकि व्यूअर्स का ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग करिए और हमें सेंड करिए, अगर रिकॉर्डिंग में प्रूफ होता है तो उनका नौकरी खा जाएंगे। असल में क्या होता है, देखिए जब भी हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं वहां पर आपको ऐसे अश्लील भाषा यूज करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों जब भी रिपेमेंट की बारी आता है आपके पास कॉल आता है और वो गुंडागर्दी करता है, तो ये टीम है अलग सा, रिकवरी टीम होता है ये कैशबीन का, बिठा के रखा है। उन्होंने भी कहा है कि वो रिकवरी टीम है, वो तो वो अनएडुकेटेड पर्सन है, वो एकदम दरिंदर है, मतलब वो मैं बता दूं कि वो बदतमीज है, उनको शिक्षा की कमी है, और ऐसे लोगों का रिकॉर्डिंग जरूर बना के रखिए, क्योंकि कैशबीन का भी कोई हक नहीं बनता। इसका मतलब नहीं आपने मुझे लोन दिया, उधार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी आप मुझे ऐसे बदतमीजी से बात करोगे, एक राइट्स नहीं बनता है आपका। तो इसी चीज के लिए आप लोग रिकॉर्डिंग बना के रखो, ऐसा कोई भी राइट्स नहीं है उनके पास। अगर उन्होंने किसी को लोन दिया, अगर उन्होंने हमें लोन दिया, तो वो लीगली कुछ करे। अगर इतना बड़ा कंपनी आप चला रहे हो, आपको कोई लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप, मैं अगर बोल दिया आपको नहीं दूंगा, तो आप लीगली एक्शन लो, आप पैन कार्ड में उनका सिविल खराब करो, आप उनके लिए कोर्ट में जाओ, लेकिन दोस्तों आपका हक नहीं बनता गाली गलौज पे उतर आना। तो इसी चीज के मैं बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग जरूर करना। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी कैशबीन कंपनी से रिपेमेंट में कॉल आके गाली बकता है, तो जरूर रिकॉर्डिंग बना के रखना मेरे दोस्त। मैं जीवी बेंगोलटेकर हेल्प करूंगा आपको, फोन का लोन को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।